नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए, 100% आपके। जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं अगस्त के महीने की राशिफल की। अगस्त का महीना हम सब के लिए क्या खास लेकर आया है, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए देखिए, कुछ काम आपके बहुत ज़्यादा प्रगति की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जुलाई में आपकी बातें चल रही थी, प्लानिंग हो रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन रिजल्ट जो नहीं आ रहा था, आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपको इस महीने ज़रूर आता नज़र आएगा। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक तो देखिए, आपको अपने बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, जिसका बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर पड़ सकता है, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अनियमित दिनचर्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ गलत फहमी का शिकार होकर या कुछ गलत सलत खाने से, मैं कहूँगी कि गलत फहमी का शिकार होने से रिश्ते खराब होंगे और कुछ गलत खाने से, गलत समय पे खाने से भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिस वजह से आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ज़रूर आ सकती है। इसलिए समय पर अपना ट्रीटमेंट कराएं, खाने पीने का ध्यान रखें, मेडिकल जांच की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर कराइए। आर्थिक मामलों की बात करूं तो धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे आपके लिए बने हुए हैं, बस खर्चों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आया लेकिन चला भी गया। आपके करियर की बात करूं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, मेहनत आप अपनी जगह जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए और आपको फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जुलाई में आपके लिए चीज़ें क्या था, बढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन अगस्त में आपके लिए चीज़ें बढ़ जाएंगी। जो लोग बिजनेस में हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में आपको सफलता मिलने के पूर्णतः योग बने हुए हैं। आप लोगों से मिलकर कुछ नया डील साइन कर सकते हैं, कुछ नए आपके पास कुछ नए काम करने के लिए आ सकते हैं, कोई नया वेंचर आप अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा योग है आप लोगों के लिए। मैं कहूँगी कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आया है। जो लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका मन भटकाव की तरफ जा सकता है, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो ये जो समय है आपका, इस समय मैं कहूँगी कि विदेश जाने के लिए आपका सपना ज़रूर पूरा होगा इस मंथ में। अब उपाय के तौर पर आपको उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आपको छोटी कन्याओं को कुछ भी मीठा दे करके उनके चरण ज़रूर स्पर्श करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी माता के मंदिर जाइए और आप कुछ भी मीठे का भोग माँ को ज़रूर लगाइए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप इसको करिए ज़रूर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए क्या खास होने वाला है इस अगस्त के महीने में? देखिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए मैं कहूँगी प्रबल संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं कि काम आपके सारे आपके फेवर में होंगे। आपका जो करियर है उसमें मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे थे। तो अभी थोड़ा सा मंथ के फर्स्ट हाफ में दिक्कत आएगी, लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपको 40 नहीं 80% मेहनत करने की ज़रूरत है।
दिन रात एक करने की ज़रूरत है, तब जाके आपका काम पूरा होगा। आपका कोई ऐसा काम जो किसी वरिष्ठ अधिकारी से होने वाला है, तो आपको उसके लिए अपनी ज़ुबान को बहुत मीठा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ईगो में आकर बात करेंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो अपनी ज़ुबान में गुस्से को बिल्कुल दूर रखिए, अपने आप से ज़ुबान में मिठास लेकर आइए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपके व्यापार में वृद्धि होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा भी दिख रहा है जो 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस वजह से आपके कोई पुरानी क्लाइंट आपके आपके हाथ से चले जाएंगे, या कोई बहुत पुराना काम आपसे किसी गलती की वजह से ख़राब हो जाएगा, आपकी डील ख़राब हो जाएगी। तो ये जो समय है थोड़ा सा सोच समझकर निकालने का समय है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप ईगो में गुस्से में आकर जवाब देंगे तो बहुत सालों से जो रिश्ते आपके बने हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं, उनको कोई ना कोई एक अच्छा प्रोस्पेक्ट ज़रूर मिल सकता है इस महीने में। प्रेम संबंधों में कुछ समस्या ज़रूर आएगी, लेकिन इस महीने के अंत तक कुछ ना कुछ आपको राहत वाली सांस आप ले पाएंगे, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए ये मंथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा ज़रूर बना लेंगे। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करूँ तो ये मंथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, क्योंकि आपकी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा अगर आप प्राप्त करते हैं तो ये मंथ आपके लिए बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है। विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी आपको ज़रूर दिखेगी। बीच बीच में आपके खाने पीने की वजह से थोड़ा सा आपकी सेहत में दिक्कत आ सकती है। अब उपाय क्या करना है आप लोगों को, वृषभ राशि वालों को शुक्रवार वाले दिन आपको किसी भी स्त्री से भला बुरा नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी को आप कुछ भी गिफ्ट के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहे तो एक फ्लावर भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट आप इस पूरे मंथ में अपने जीवन साथी को ज़रूर दीजिए। अब जिनकी शादी नहीं हुई वो क्या करेंगे, आप किसी भी माता के मंदिर जाइए और छोटी सी इत्र की शीशी लेकर के वो माँ के समक्ष ज़रूर रख कर आइए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना क्या खास लेकर आया है, देखिए आपके लिए मध्यम रूप रहने वाला है, मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। जो इस मंथ का फर्स्ट पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है आपके लिए, फर्स्ट से 15 तक का। शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए अपने काम पर पारिवारिक जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। जहाँ तक आपके करियर की बात है तो देखिए ये मंथ आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। व्यापार में थोड़ा उथल पुथल होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन विदेश से संपर्क आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई अर्निंग, न्यू अर्निंग के स्रोत आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। नौकरी में बदलाव आपके लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं इस मंथ नहीं हो सकता है। अगर आपको ऑफर लेटर मिलेगा भी तो वो आपको 18th of August के बाद ही मिलेगा। गुस्से से बचिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरलोड अपने आप को करने से बचिए, काम का अधिक बोझ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बढ़ा सकता है। इसके अलावा शॉर्टकट से किसी भी काम को करने से बचिए, क्योंकि वो काम आपका पूरा नहीं होगा लेकिन उससे दुगनी मेहनत वो आपसे करवा लेगा। आपको मेन जो बातें मैं आपको कह रही हूँ ना, बस इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम फलदायक सिद्ध होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण वाला समय है ये आपके लिए।
अविवाहित जो लोग हैं आपके संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखा जाएगा। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए मंगलदेव की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाएगी। जो शादीशुदा हैं उनको भी ये कष्ट देखने को मिलेगा। तो आपको धैर्य के साथ प्रत्येक बात को करना चाहिए, हर बात का सोल्यूशन बातचीत करके निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए ये मंथ मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। आपको अच्छी सफलता के योग ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने मित्रों के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। और शिक्षा में अच्छे परिणाम अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना इस मंथ करना पड़ेगा। चुनौती इसलिए क्योंकि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे ये मंथ पढ़ाई करनी है, मुझे ज़्यादा इधर उधर पार्टी करने नहीं जाना है, बस इस मंथ मेहनत कर लेंगे आप, तो आप खुद देखेंगे कि आप जो पिछले कुछ महीनों में आप याद नहीं कर पा रहे थे, आप इस मंथ उसको बहुत अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे। तो आपको आपकी एकाग्रता शक्ति इस मंथ अच्छी तरह से बढ़ते हुए दिख रही है, तो उसका पूर्णतः लाभ उठाइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, आपके जो खर्च हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ पड़ सकता है। तो महीने के बाद 15 तारीख के बाद में मैं कहूँगी आपके आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से बचें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें तो बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय उनकी आंशिक तौर पर उनकी हर इच्छा को पूरा करने का समय है। तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपको विदेश जाने का मौका इस समय ज़रूर मिलेगा। कुछ शुभ समाचार भी आपको इस मंथ में ज़रूर मिल सकता है। गुस्से की मात्रा को कम रखिए, बहुत ज़रूरी है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना मंदिर या गुरुद्वारा आप ज़रूर जाइए, 5 मिनट वहाँ बैठकर मेडिटेशन करिए, प्रभु को याद करिए, अपने ईष्ट को याद करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भी आप अपने घर में ही 5 से 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन ज़रूर करिए। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो इसीलिए कह रही हूँ कि दिन में 5 से 10 मिनट निकाल कर अगर मंदिर या गुरुद्वारा, जो भी आपका कल्चर है, आप वहाँ जाइए और थोड़ा सा समय अपने भगवान को, अपने ईष्ट को ज़रूर उनसे अपने लिए मांगिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये जो मंथ है, देखिए कई मायनों में बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। इस मंथ में आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, बस आपको ना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो आप समझिए, अष्टम भाव में शनिदेव का वक्री होना कहीं ना कहीं शनि महाराज आपके स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां थोड़ी सी आपको दे सकते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए ज़्यादा सोच विचार करने से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को अकेला समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक आपके करियर की बात है तो करियर के लिए देखिए, ये मंथ बहुत अनुकूल रहेगा। आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी मंगलदेव दूसरे भाव में होने से आपको अपनी नौकरी में मजबूती हासिल ज़रूर होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में भी अच्छे काम की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी आपके एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव महाराज तथा भाग्य स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही है। इस कारण से आपको इस दौरान बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है, कुछ नए काम आपको सौंपे जा सकते हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं इस मंथ में। तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को बस थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। व्यापार को लेकर पूरी जमा पूंजी आप अपनी मत लगा दीजिएगा, थोड़ा सा सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। हल्का फुल्का कहा सुनी आपके अपने लोगों के साथ या रिश्तेदारों के साथ हो सकते हैं, तो अच्छे से समय व्यतीत करें, एक दूसरे से विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इस तरीके की बातें करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के बाद प्यार भरे कुछ पल भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। परिवार में वृद्धि का समय है, हो सकता है आपके परिवार में एक नया
कोई ना कोई रिश्तेदार आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकता है आपके आपके पास में, नहीं तो कोई गुड न्यूज़ आपके परिवार में आपको सुनने को ज़रूर मिल सकती है। कार्यों के लिए मैं बोलूँ तो 18 तारीख के बाद थोड़ा सा समय आपको शांतिपूर्वक बिताना होगा। 18 से 20 तारीख का समय थोड़ा सा धैर्य के साथ बताइए, यात्राओं से बचिए, यात्रा करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा अगर आप टाल सकते हैं तो इस मंथ टाल दीजिए। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन आपको ज़रूर करना है, बस और कुछ मत करिए, भोलेनाथ की शरण में जाइए। आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। ये महीना आपके लिए बहुत मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा, आप लोगों के लिए भी, लेकिन इस बीच कुछ बड़ी इच्छा पूर्ति की भी प्राप्ति होते हुए इस महीने नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रसन्नता होगी, आप बहुत खुश रहेंगे, अपने कार्यों को आप एक अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थिति आपके लिए बन रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी है और अपने भोजन की आदत तो पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खाना कुछ ऐसा खा लेंगे या कुछ गलत खाने की वजह से या गलत समय पर खाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो भोजन नियंत्रण करिए, ज़्यादा तेल मसालों वाला भोजन मत करिए, नहीं तो इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि मिक्स रिजल्ट लेकर आया है, क्योंकि आपकी आमदनी नियमित रूप से होती रहेगी जैसे होती आ रही है, लेकिन बहुत अधिक धन ना होकर खर्चों के मुकाबले अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा आपको लगेगा स्थिति कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो खर्चों के मामले में कुछ चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ेगा, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपको पता नहीं था लेकिन आपको लेनी ही पड़ेगी, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपका फ़ोन ख़राब हो जाए या आपके घर का टीवी ख़राब हो जाए, मतलब कुछ भी बड़ा मेजर आपकी चीज़ ख़राब हो गई इलेक्ट्रॉनिक, और अब तो वो लेना ही लेना है, उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से खर्चे थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, तो खर्चों में अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है। करियर की बात करूं तो कोई बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के लिए नहीं दिख रही है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में अच्छा बदलाव भी प्राप्त हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा भावेश में आकर किसी से कुछ नहीं बोलना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई आपके उन्हीं इमोशंस के साथ खेलकर आपके अगेंस्ट आपकी बातों को यूज़ कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये करने से बचना चाहिए। कुछ चुनौतियों का सामना आप लोगों को इस मंथ ज़रूर करना पड़ेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौती वाला समय है, क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर खड़ी करेगा, कोई ना कोई समस्या सामने से आपके लिए ज़रूर आएगी। विद्यार्थी जो लोग हैं, आप लोगों को अपनी शिक्षा में बहुत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी सफलता लेने के लिए आपको थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मन अगर आपका एक जगह फोकस आपका नहीं है, आपने 10 चीज़ें सोची हैं करने के लिए तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना एक प्लानर बनाइए और उसमें लिखिए कि सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद कर, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर मिक्स कर देंगे ना तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्लानिंग्स दिमाग में रह जाएगी। इसके अलावा रिश्तों में भी थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़िए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अभी ये मंथ अच्छा नहीं है कोई भी मेजर डिसीज़न लेने का, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा समय दीजिए, नहीं तो आपका लिया हुआ डिसीज़न बाद में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चुनौती वाला आपके लिए समय लेकर आ गया है। तो थोड़ा सा सोचिए, सलाह मशवरा करके ही आप आगे बढ़िए। इसके अलावा इस मंथ में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो संभावनाएँ आपके लिए बहुत प्रबल हैं। अगर आप विदेश जाकर सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस करने के लिए या जॉब के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए कॉल कहीं ना कहीं से ज़रूर आ सकती है। आइए उपाय की बात करते हैं। आपको प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाइए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाएगा। बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये कि आप इस मंथ में अपने गुस्से की मात्रा को कम करके रखिएगा,
क्योंकि आपके जुबान से बोला हुआ एक खराब शब्द या बहुत ज्यादा इमोशन में बहकर बोला हुआ एक शब्द आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। आइए कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत ही सफलदायक रहने वाला है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में ही लाभ होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में, आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथ ही साथ में खर्चे भी लगे रहेंगे और आपको इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक आपके करियर की बात है या नौकरी की बात है, आपकी स्थिति इस मंथ में बेहतर होगी। ज़्यादा भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है, काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा लेकिन अच्छा है, काफ़ी ट्रैवलिंग होने के योग है आपके लिए। व्यापार जो करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है। व्यापार से संबंधित नए संबंध आपके बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से व्यापार में आपके काफ़ी लाभ हो रहा है। आपको किसी का मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा लेकिन अपने व्यावसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। सिर्फ पार्टनर ने बोल दिया और आपने कर लिया, ऐसा मत करिए। आपको भी उस काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आंख बंद करके विश्वास मत करिए क्योंकि फिर आपके लिए यहाँ से शुरू होगी परेशानियाँ। कुछ भी ऐसा गलत निर्णय आप ले सकते हैं किसी के कहने पे जो आपके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, सलाह मशवरा करके ही कोई मेजर डिसीजन लीजिए। जो लोग शादीशुदा जीवन जी रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा ये मंथ परेशानी वाला है। साथ ही में देखिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा अगर आप पर है तो आपका रिश्ता चलता रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्थितियाँ उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को बहुत ज़्यादा कठिन चुनौतियों का सामना भी इस मंथ करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी विद्या में जो रुकावट बनेगी वो स्वास्थ्य की वजह से बन सकती है। वक्री शनि महाराज आपके छठे भाव में विराजमान हो गए हैं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रोज़ के काम आपसे जल्दी से आसानी से नहीं होंगे। उपाय के तौर पे आपको बुधवार के दिन छोटी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपके घर में काम करते हैं, मेड, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, छुट्टी बहुत मांग सकते हैं, आपके लिए थोड़ा भला बुरा इधर उधर बोल सकते हैं, तो आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। शनिदेव कर्म फलदाता है, अपना कर्म करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि यानी कि तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है हमारे लिए ये महीना? देखिए तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा सोच समझकर इस मंथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए कुछ सावधानी रखने वाला महीना है। हालांकि देखिए इस महीने में आपको अपने करियर में एक अच्छी उन्नति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ महीनों में आपको समझदारी और सावधानी दोनों ही दिखानी पड़ सकती है। आपकी राशि से छठे भाव में राहुदेव, पांचवें भाव में शनिदेव और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव विराजमान होकर के आपके आपको मेजर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति की गई जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी इस मंथ की शुरुआत कुछ कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि आमदनी अच्छी होने के बावजूद आपके खर्चे हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो आपके माथे पर चिंता की लकीरें भी डाल सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन प्रबंधन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहाँ तक हो सके अपने करियर कि जहाँ तक बात है, करियर का सवाल है, तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी में हैं, अपनी नौकरी में अच्छे पद का लाभ भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं और आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है। बस थोड़ी सी मुश्किल जो आएगी वो ये कि आपके रिश्ते अपने कलीग या सीनियर बॉस के साथ थोड़ी सी कहासुनी से ख़राब हो सकते हैं।
इस मंथ का जो लास्ट वीक रहेगा कुछ राहत आपको उसमें प्राप्त हो जाएगी। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए ये कठिन चुनौतियों से भरा हुआ समय रहने वाला है। आपको पढ़ाई में आनंद भी आएगा, लेकिन परिस्थितियों में आपके पढ़ने से, कुछ ऐसी परिस्थितियों में आप पड़ जाएंगे जिनके पढ़ने से आपकी एकाग्रता खराब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है आपकी संगत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, जिस वजह से कुछ तकरार उनके साथ हो जाएगी और आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अपनी संगत पे भी ध्यान दीजिए। वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो आपके ससुराल पक्ष से सावधानी पूर्वक व्यवहार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके रिश्तों पर पड़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में कुछ सुख शांति रहेगी जो आपको राहत प्रदान करेगी, लेकिन अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते मत खराब करिएगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर शुक्रवार वाले दिन से शुरू करके आप लगातार 6 दिन किसी भी छोटी कन्या को कुछ ना कुछ फल का दान जरूर करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी माता के मंदिर में जाकर माँ के समक्ष आप फल रख कर आइए। इस उपाय को करने से जो आपके संबंध में परेशानी बनी हुई है वो ठीक होनी ज़रूर शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या खास लेकर आया है। अगस्त का महीना देखिए वैसे तो आपके लिए फलदायक रहने वाला है, कई मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, इसीलिए अपनी ओर से आप तैयारी पूरी रखिए ताकि आप इस समय का पूरी तरह सदुपयोग कर सकें। जहाँ पर आमदनी की बात है तो इसमें आपके लिए इस मंथ अच्छी बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। कुछ गुप्त तरीके से धन आपको प्राप्त हो सकता है। अब गुप्त तरीके से धन ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हों, वो काफ़ी टाइम से दे नहीं रहा था, शायद इस मंथ आपको वापस कर दे, तो ऐसा कुछ गुप्त धन भी आपको प्राप्त होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जो आपकी चिंताएँ हैं वो थोड़ा हद तक कम होते हुए दिखेंगी इस मंथ में। आपको कमज़ोर स्थिति आपकी तब बनेगी जब आपके करियर की बात आएगी। करियर की बात में स्थिति कमज़ोर मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए गप्पेबाजी से कुछ नहीं होता, व्यर्थ में सिर्फ समय खराब होता है। तो गप्पेबाजी नहीं करेंगे, काम को करने की सोचेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल होगी, आप कार्यों को कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आपको अच्छी प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए एक अच्छी उम्मीद लेकर आ रहा है। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद इस मंथ आपको अपने रिश्ते को थोड़ा सा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप देखिए उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। जीवन साथी के साथ व्यवहार में अनुकूल आचरण करने से ही रिश्ते आप संभाल पाएंगे, लेकिन अगर आप ईगो लेकर बैठ जाएंगे कि नहीं मैं ही क्यों, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो जाएंगी। हल्की फुल्की परेशानी तो देखिए हर रिश्ते में आती है, लेकिन रिश्ते को ठीक करने के लिए कभी ना कभी पहले आप झुक सकते हैं। अगर ऐसा कर लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका रिश्ता सुधर जाएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए कुछ रुकावट भरा समय है, लेकिन आप अगर अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ मीठी चीज़ का दान या मीठा भोग प्रसाद के रूप में हनुमान जी को ज़रूर अर्पण करके आना है। छोटा सा उपाय है, लेकिन इसको करने से जो भी समस्याएं आपके लिए बनी हुई हैं आप देखेंगे कि वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आइए अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये मंथ मिक्स रिजल्ट मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रयास से ही इस मंथ में आपके काम पूर्ण होंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। भाग्य का सहारा लेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपके लिए सिर्फ परेशानी बढ़ेंगी। जहाँ तक हो सके आप काम को किस तरह कर सकते हैं, अगर आप भगवान भरोसे सब छोड़ देंगे, देखिए भगवान भरोसे छोड़ना अच्छा है लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब आप कहीं चल रहे हैं, चोट लग गई है, तो जब तक उस चोट का ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएंगे, बीमार पड़ गए हैं तो घर बैठे बैठे ठीक नहीं होंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सलाह मशवरा आपको इस मंथ लेना पड़ेगा और उसको लीजिए। ये मत सोचिए कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगे समय आने पर, समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आपको समय की तरफ बढ़ना पड़ता है।
करियर की अगर मैं बात करूं तो केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में आपका मन कम लगेगा, आपका मन इधर उधर ज़्यादा भटकेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना आप कर सकते हैं। इससे मन में अनेक विचार आएंगे और कम से कम मन घबराने आपका बहुत ज़्यादा धीरे धीरे देखेंगे आप घबराने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आपको बस अपनी ओर से ज़्यादा कोशिश करनी है, मेहनत करने की। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इस मंथ का जो मिडिल पार्ट रहेगा 10 से लेकर के 25 तारीख के बीच का समय आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। महीने के स्टार्टिंग में कुछ समय थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन की भी बात करूं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी मंथ के स्टार्टिंग में, 15 तारीख तक मैक्सिमम, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा सुधरने लगेंगी। इसके अलावा आपको अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप अपने व्यापार को पूर्णतः समय नहीं दे पाएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर में अशांति का माहौल बिल्कुल मत बनाइए। जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और भी बढ़ेंगी, तो इसलिए आप शांति के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करिए तो चीज़ें आपके लिए ज़रूर बेहतर होंगी। कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। विदेश जाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए खर्चों से भरा हुआ मंथ है। आपकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए आवश्यक होगा कि खर्चों पर कंट्रोल करिए, अनएक्सपेक्टेड खर्चों को मत करिए। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके जा रहे हैं, जो जरूरी नहीं है, जिनको आप रोक सकते हैं, उनको मत करिए। आपको रोजाना अपने माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाना है। ये छोटा सा उपाय है लेकिन इसको करने से देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छा होना शुरू हो जाएंगे और इस मंथ में जो आपके लिए चीज़ें खराब होते हुए नजर आ रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप देखेंगे कि वो ठीक होने लगेंगी। आइए आप बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि में जन्म लेने वाले जितने लोग हैं जिनकी मकर राशि है, ये मंथ अगस्त का महीना कुछ मामलों में आपके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे, तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सावधानी रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी वर्ग की अगर बात करूँ तो ये कम समय अनुकूल हो सकता है आपके लिए। अपनी योग्यता का आप निर्धारण अपनी कार्य कुशलता से ही कर सकते हैं। काम नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता आपकी स्किल्स क्या हैं, आपको क्या आता है। तो जब तक आप अपनी स्किल्स को दिखाएंगे नहीं तो कैसे किसी को पता चलेगा। तो कार्य करना बहुत ज़रूरी है। कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ऐसा करेंगे तो आपको कार्य में सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम संबंधों की अगर बात करूं तो ये मंथ आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आया है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं बीच में छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा आपके अंदर बढ़ जाएगा, तो संभल कर बातचीत करिए, एक दूसरे को प्यार से समझाइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। आपका रिश्ता अच्छा चलेगा अगर आप इस तरह सोचते हैं तो। इसके अलावा इस मंथ में आपको जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना बढ़े, बस इस बात का ध्यान रखिए। आपके सप्तम भाव में जिस ग्रह का प्रभाव है, आप ये चीज़ सोचिए कि सूर्यदेव इस मंथ के पूर्वार्ध में ही आपके सेवेंथ हाउस सप्तम भाव में होंगे, तो आपकी ईगो अहम टकराएगा जिस वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो अपनी ईगो को साइड में रखिए। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी हुई हैं जो महीने के अंतिम सप्ताह तक सुधर जाएंगी और स्थितियों में बदलाव होगा। नौकरी में बदलाव महीने के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। व्यापार जगत के लोगों को सरकारी क्षेत्र में लाभ होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही में आपको व्यापार की तरफ मैं कहूँगी एक नया रास्ता खुलते हुए अपने लिए नज़र आएगा। कुछ नए लोगों से मिलकर आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं। बस अपने अड़ियल होने से बचिए, किसी भी चीज़ के ऊपर ना रिजिडनेस मत दिखाइए, ज़िद्दीपना मत दिखाइए, अड़ियल मत हो जाइए, थोड़ी सी सामने वाले की भी सुन लीजिए, तो आर्थिक रूप से सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उपाय के तौर पर आपके लिए बहुत ही छोटा सा और ख़ास उपाय लेकर आई हूँ, करेंगे तो फल आपको
जरूर मिलेगा। आपने प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना है शाम के समय। ये करने से आप खुद देखेंगे कि आपको लाभ होगा और साथ ही में आपके जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो आपसे लोअर क्लास के लोग हैं, आपकी मेड हो गए, आपके हाउस हेल्प हो गए, सोसाइटी के वॉचमैन हो गए, गार्ड्स हो गए, आप इन लोगों के साथ बदतमीजी से पेश मत आइए। ऑफिस में जो आपके कलीग काम करते हैं आप उनके साथ बदतमीजी से पेश मत आइए, ये बहुत ज़रूरी है। उपाय आपके लिए सबसे बड़ा यही है। कई बार उपाय के तौर पे हमें अपने नेचर में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे इस महीने से। ये महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ ज़रूर देकर जाएगा। कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। कुछ ना कुछ समस्याएं आपके लिए लगी रहेंगी, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता हुआ बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी इस मंथ के स्टार्टिंग से ही आपको बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, या करियर की बात करूँ या जॉब की बात करूँ, तो परिणाम की प्राप्ति आपको होने में थोड़ा सा देर लगेगी। आप जो सोच रहे थे, जिस मुकाम तक पहुँचना चाह रहे थे, आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, तो वो थोड़ा सा आपको इस मंथ नहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही है। फर्स्ट वीक जो रहेगा इस मंथ का, आपके लिए थोड़ा सा बदलाव का समय है, तो ये इस दौरान आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग आपके लिए बनी हुई है। ये मंथ अगर आपको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति करनी है, अगर आपको अपने व्यापार में वृद्धि करनी है, तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो विद्यार्थी देखिए, सही गति से अगर आप चलेंगे, आप एक पूरा अपना प्लानर बनाकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली परिणाम आपके फेवर में ही आएंगे। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूँ तो सुख शांति बनी रहेगी। कोई संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। संबंधों को लेकर यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं और शादी का सोच रहे हैं, तो कोई नया रिश्ता आपको इस मंथ में ज़रूर मिल सकता है। आपको बस जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि लाभ के चक्कर में आप ऐसा मत करिएगा कि भाई आप फ्यूचर का बेनिफिट देखते देखते अपने आज को ख़राब कर लें। वो फ्यूचर का बेनिफिट ऐसा ना हो कि किसी लालच में आप कुछ नई जगह ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। तो अपना, वो कहते हैं ना कि पैर उतने ही पसारिए जितनी आपकी चादर है, तो आपको शो ऑफ से बचना है इस मंथ। इस बात का ध्यान रखिए, अगर शो ऑफ के चक्कर में पड़ गए तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो उसका मौका भी आपको मिलेगा। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियाँ रखनी होंगी आपको। खर्चों में नियंत्रण करने की ज़रूरत है आपको। काम की जो मैं बात आपको कहना चाह रही थी वो ये था कि काम को अगर हम देखें तो आपका काम बढ़ते हुए तो नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डील आप कर लेंगे जल्दबाजी में कि आप, आज आपको लग रहा है वो ठीक है, लेकिन 6 से 8 महीना बीतते ही आपको लगेगा कि नहीं, आपने गलत कर दिया। तो आप कहीं भी नई जगह अगर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, या किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, तो उसके बारे में पता कर लीजिए। अगर आप रिश्ता भी जोड़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी तरह पता कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार वाले दिन से शुरू करके लगातार 11 दिन एक दूध का पैकेट किसी भी मंदिर में जा करके माता रानी के सामने रख कर आ जाना है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन उस उपाय को करने से डेफिनेटली रिश्तों में आपके सुधार आएगा, आपका मन एकाग्र होगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होने लगेगी। आइए अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए सावधानी रखने वाला महीना आ गया है। जी हाँ, पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिसमें आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आपको चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थिति आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे आपके लिए समस्याएं आप खुद खड़ी कर लेंगे। व्यर्थ के खर्चे करना, उल्टा सीधा खाना खाना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि देखिए, विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता आपके लिए, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी तो जरूर होगी, आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपको आपके साथ के लोग पूरा सहयोग देंगे, उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। व्यापार जो लोग करते हैं, बिजनेस जो करते हैं, उनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ की बात अगर मैं करूँ तो थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ सकती है। सूर्यदेव का पंचम भाव में होने से आप लोगों का अहम आपस में टकरा सकता है, लेकिन इस मंथ में 10 तारीख के बाद में थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए ठीक होने लगेंगी। फिर 18 के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आप लोगों का शक बढ़ता हुआ आप नज़र आएगा। आप देखेंगे कि एक दूसरे के लिए दिमाग में शक बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। और देखिए, शक जब भी मन में आता है ना, तो शक का या तो इलाज कर लीजिए। वैसे शक का कोई वहम का कहते ना इलाज नहीं है, और शक का इलाज करने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है बैठ कर बात कर लीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सकती है। और अगर ऐसा कर लिया तो आपका मन वैसे ही प्रसन्न रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। उपाय के तौर पर आपने गुरुवार वाले दिन केले के जड़ में जल में चीनी मिलाकर ज़रूर अर्पण करना है। आप ये रोज़ करना चाहें, पूरे महीने करना चाहें, कर लीजिए, लेकिन अगर समय नहीं है तो गुरुवार वाले दिन इस उपाय को ज़रूर करिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को अपना राशि फल समझ में आ गया होगा। उपाय जो भी मैंने आपको बताए हैं उनको करिए। लेकिन कई बार होता है कि आप लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम आपने तो बोला था इस तारीख से ये तारीख अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग जब आप मेरे से अपनी प्रिडिक्शन लेते हैं तो आपकी मंथली प्रिडिक्शन आपको मिलती है, और आपको पता है कि मंथली प्रिडिक्शन में आपकी कुंडली के हिसाब से लिखा होता है, सब बताया हुआ होता है। कई बार अगर देखिए, जैसे जैसे मैंने राशिफल यहाँ अभी बताया आपको, मैंने कहा कि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए चीज़ों को सुधारेंगे, तो जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति खराब है तो वो यहाँ स्थिति को सुधारेंगे नहीं, स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। उपाय हालांकि मैंने आप सबको राशि के अनुसार बताए हैं, और ये जो राशि है, आप लोग पूछते हैं कि सन साइन है या मून साइन है, मैं आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग यानी कि आपके मून साइन के अकॉर्डिंग मैं ये प्रिडिक्शंस आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आप अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग जो आपकी चंद्र राशि है उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने उपाय करते हैं तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इसके अलावा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी इस एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली ग्रो कर सके। जय माता दी।